जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप की बनती है, वो तरबियत करे। लेकिन उस तरबियत पे भी आज हम खामोश नहीं बैठ सकते, उस तरबियत पर भी तकिया नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैंने तरबियत की, क्यों? इतना आम हो चुका है फहश जिसका अंदाजा आज से 50 नहीं 15 साल पहले भी किसी को नहीं कर सकता। जब तक व्हाट्सएप का जमाना नहीं आया था, जब तक ये ट्विटर, ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम घर के 7 पर्दों के अंदर से भी फहाशी और यानी की पूरी तस्वीरें भेज के क्या है, एक साथ क्या है, सबका सब मजा ले सकते हैं, वो हालत आज पेश आ चुकी है। आज सिर्फ अल्लाह का डर है जो इन लोगों को बचा सकता है बेराह रवि से, वरना तो नौजवान नस्ल बर्बाद होती नजर आ रही है। जिसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूं, हमेशा सीखता हूं, जहां भी जाता हूं कहता हूं, अल्लाह के लिए नौजवानों को पकड़ो। आज हमारे नौजवान बन गए तो उम्मत बन गई, बिगड़ गए तो याद रखो फिर हमें कोई हाथ देके उठाने वाला भी नहीं, क्योंकि हमारे नौजवानों के अंदर ये फिल्म परस्ती, फहाशी, गैर जरूरी बातें और इसके साथ साथ गैर जरूरी काम और इसके साथ साथ गैर जरूरी नजरें और इसके साथ साथ गैर जरूरी क्या है, वो चीजें जो तुम्हारे लिए एक फायदे की भी चीज नहीं, जो खाने में है। किसी को पान की आदत, किसी को बीड़ी की आदत, किसी को सिगरेट की आदत, किसी को नशे की आदत। हमारे नौजवान, हमारे अपने नौजवान, किसी को ड्रग्स की आदत, ड्रग्स ना मिले तो पेट्रोल सूंघ के सोने वाले भी कई हैं, अत्ता के कई कॉफ सिरप पी के सोने वाले भी कई नौजवान हैं। नशा यूं सर चढ़ के बोल रहा है, और इस मामले में सिर्फ मर्द नहीं, लड़कियां भी उतनी हैं, उतनी फहाशी की रेसा। वो जमाना गया जब लड़की की क्या है, किसी नौजवान से क्या है, एक नजर भी पड़ जाती थी तो लड़की सोचती थी कि डूब के मर जाना है, इससे बेहतर है कि मैं क्या आया हो जाऊं। लेकिन आज तो क्या है, बेहयाई का पर्दा इतना है कि नौजवान नस्ल में अभी 13 साल की नहीं हुई, 12 साल की नहीं हुई, 10 मरतबा मेकअप करके क्या है देखती है अपने आप को चेहरा, अब मैं जा रही हूं। हत्ता के मदरसों में भी नहीं, कहीं भी महफूज नहीं है, कहीं भी महफूज नहीं, हर जगह ये चक्कर चल रहा है, हर जगह फहाशी और यानी है, और लोग समझते ही नहीं कि गलती है। न माँ बाप ने सिखाया, न बच्चों को मालूम है, क्यों? इतना ज्यादा क्या है फिल्म, इतना ज्यादा इनको पिक्चर, इतने ज्यादा इनको सिनेमा दिखाए कि ये सब चीज नॉर्मल होके रह गई। ये कोई गलती है, मेरी मर्जी है जी, मेरी मर्जी है, मैं मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। जैसा कि वैलेंटाइन डे में गुजिश्ता के बाकायदा क्या बड़े बड़े पोस्टर लेके घूमे, नंगे घूमे, कोई पूछने वाला नहीं, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मैं कचाए तो कपड़े पहनूंगी ना पहनूंगी, तुम कौन होते रोकने वाले? मेरा जैसे मैं किसको भी चाहूं दूं, किसी को भी चाहूं क्या ना दूं, किसी भी रात को बुलाऊं उसके साथ जिंदगी बसर करूं, तुम कौन होते पूछने वाले? ये नारा लगा रहे हैं, ये नारा है लगाने का, और इस पर जिंदगी गुजार रहे हैं।